गाइस, तो आप पीछे आप देख रहे होगे वो बाजीराव पेशवा है, और आप शायद अंदाज़ा लगा रखे होगे कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं पुणे में हूँ और मैं आया हूँ शनिवार वाड़ा फोर्ट घूमने के लिए। और ये फोर्ट काफ़ी ज़्यादा कमाल का फोर्ट है, और थोड़ी हॉरर स्टोरीज भी हैं इसके बारे में। मैं आपको अंदर चल के पूरी कंप्लीट स्टोरीज बताऊँगा अभी आपको। और ये जो आप पीछे मेरे पीछे जो स्टैचू देख रहे हैं वो बाजीराव पेशवा का है। इन्होंने पूरा ये शनिवार फोर्ट बनवाया था, और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है आप देख सकते हैं। और ये देखिए पूरा फोर्ट, और ये बाहर से अभी भी वैसे ही जैसे पहले हुआ करता था, बिल्कुल ही प्रॉपर शेप में एक अच्छा सा फोर्ट दिखता है बाहर से। और चलिए हम देखते हैं अंदर से कैसा लगता है ये अंदर से भी देखने में। ये दो दरवाजे का गेट है, फोर्ट का एंट्रेंस है ये, और आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर सूरज का निशान है। ये सुबह में खुलता था, इस दरवाजे के लिए यूज सुबह में होता था, और ये शाम के टाइम में ये चांद वाला गेट यूज होता था। और ये स्पाइक देख सकते हैं आप, ये हाथी वाथी अगर अटैक करे तो उसे बचाने के लिए स्पाइक बनाए गए थे। चलिए हम अंदर चलते हैं इस फोर्ट के अंदर। यहाँ पर आप नॉक नॉक कर लेते हैं अंदर जाने से पहले इस फोर्ट में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पेंटिंग्स वगैरह, यहाँ पर जैसे आप एंटर कीजिएगा फोर्ट में गणेश भगवान की पेंटिंग मिलती है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस मैं आ चुका हूँ शनिवार वाड़ा फोर्ट के अंदर, और आप देखिए मेरे पीछे घेरा हुआ है। मैंने फोर्ट से अभी जस्ट एंट्री लिया, और टिकट की प्राइस 25 रुपीज़ थी, फॉरन के लिए 300 वगैरह। मैं लिस्ट डिस्प्ले कर दूंगा यहाँ पर, आप देख लेना। तो अभी चलते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। ये पेशवा के द्वारा बनाया गया था, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा फोर्ट है। और इनके इसमें यहाँ पर टोटल 5 दरवाजे हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कहाँ पर 5 दरवाजे मुझे भी एक्सप्लोर करना है। और ये जो बाजीराव पेशवा मूवी देखी होगी उन्होंने, उसमें ये पूरा यहाँ का सीन दिखाया गया था बाजीराव मस्तानी वाली मूवी में, वहाँ पर पूरा सब कुछ दिखाया गया था। वहाँ पर आपको मैं पूरा अंदर चल के अभी आपको पूरा दिखाऊंगा वहाँ से। ये वो बैक व्यू है जो आपको मैंने अभी सामने से दिखाया था, ये ऊपर फोर्ट का, और ऊपर ही नगार खाना वगैरह सब है। और ये दिल्ली दरवाज़ा है, एक 5 दरवाजों में से एक दरवाज़ा ये है। फोर्ट में घुसते ही सामने ही पुष्कारणी फाउंटेन है, जिसको हजारी करजानी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है हजार फव्वारे। और हजार फव्वारे इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हजार फव्वारे बनते थे, और ये उस टाइम की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। ये शनिवार वाड़ा फोर्ट जो है वो 1732 में बाजीराव पेशवा के द्वारा बनाया गया था। और उसके बाद यहाँ के रूलर थे नाना साहेब, और उसके नाना साहेब के बेसिकली 3 बेटे थे। पहला बेटा था माधव राव जो, और दूसरा बेटा था विश्वास राव, तीसरा बेटा था नारायण राव। टोटल 3 बेटे थे। जो पहला जो बेटा था नाना साहेब के डिमाइश के बाद जो माधव राव था उसको मिल गई यहाँ की थ्रोन, और किंग था यहाँ का। लेकिन जो दूसरा बेटा था विश्वास राव, उसकी डेथ हो गई किसी बैटल में, तो फिर जो माधव राव था जो किंग था उसकी वजह से डेथ हो गई, कि उसके भाई के प्यार में उसकी वजह से वो खुद ही अपने लाइफ लूज कर बैठा। तो जो तीसरा बेटा था नारायण राव, उसकी उस टाइम 16 ईयर्स का था, तो बट उसको उस टाइम की गद्दी मिली, कोई और था नहीं, 3 ही बेटे थे इनके, तो उसको उस पर उसकी गद्दी मिल गई। बट जो इनके चाचा थे रघुनाथ राव, उसको ये पसंद नहीं आया कि 16 साल का लड़का राजा कैसे बन सकता है। तो फिर उनके बाद उसकी पूरी बैटल आपस में ही घर में ही लड़ाई वड़ाई होने लगी, जैसे पुराने टाइम में होती थी। तो उस टाइम ऐसी हो गई हालत कि उसके बाद रघुनाथ राव ने नारायण राव को पूरा मरवा दिया, डेथ हो गई नारायण राव की। तो उस यहाँ पर एक दरवाज़ा भी है नारायण राव का, मैं अभी दिखाऊँगा उसको। तो नारायण राव का दरवाज़ा, उसमें उसके डेथ के बाद उसको वहाँ से बाहर निकाला गया था, और कहते हैं अभी भी कि उसकी आत्मा अभी भी यहीं है, और मून लाइट के टाइम उसको आवाज़ें सुनाई देती है। जो यहाँ पर पास में जो लोग हैं वो उसको सुनते हैं, उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं यहाँ पर। मैं आपको अभी नारायण राज, और सनसेट के बाद में यहाँ पर एंट्री बिल्कुल नहीं होती, तो 4-5 बजे बंद हो जाता है। अभी 4 बज रहे हैं यहाँ पर, और 5:30 बजे बंद हो जाता है कम्प्लीटली, दरवाज़ा बंद हो जाता है, किसी को सनसेट के बाद अंदर नहीं आ जाता। बट जो फुल मून नाइट होती है उसमें लोगों ने सुनी इनकी आवाज़ें, जो लोग कहते हैं कि नारायण राव की आवाज़ है। और ये पुणे के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। तो अगर आप एडवेंचरस हो तो आओ, रात में कभी किसी तरीके से जुगाड़ करके अंदर आओ, और फिर फन लो, और प्रूव करो कि ये थ्योरी सही है या गलत। ये वो नारायण दरवाज़ा जिसके बारे में अभी बात कर रहा था, जब नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या करवाई थी, उसके शरीर के टुकड़े करवा के नदी में फेंकने जा रहे थे, तो इसी दरवाजे से होके गए थे, इसलिए इस दरवाजे का नाम नारायण दरवाज़ा रखा गया। और ये 5 दरवाज़ों में से एक फेमस दरवाज़ा है। हम आ चुके हैं मस्तानी दरवाजे के पास। ये बाजीराव की दूसरी पत्नी थी पेशवा बाजीराव, उनकी दूसरी पत्नी
मस्तानी उनके वो इस दरवाजे का यूज करती थी महल में आने के लिए और जाने के लिए, इसलिए इस दरवाजे का नाम मस्तानी दरवाज़ा भी रखा गया। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके आप यहाँ पर मस्तानी दरवाजे के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। ये रहा वो चौथा दरवाज़ा जिसे खिड़की दरवाज़ा भी कहा जाता है, और ये नॉर्मल दरवाज़ाओं की तरह नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दरवाज़ा है और ये सैनिक और आम लोगों के लिए दरवाज़ा यूज किया जाता था। यह पांचवा दरवाज़ा जिसे गणेश दरवाज़ा कहते हैं, और आप देख सकते हैं कि थोड़ा छोटा साइज में है, और ये गणेश दरवाज़ा के पास बहुत ज़्यादा सैनिक वगैरह यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा रहती थी क्योंकि इसके पीछे जस्ट मार्केट है। शुक्रिया। अभी हम गणेश दरवाज़ा के पास, और गणेश दरवाज़ा इसका नाम क्यों पड़ा होगा, यानी गणेश देश से आते आते नहीं थे, गणेश दरवाज़ा इसका इसका नाम पड़ा क्योंकि जो दगड़ूशेठ गणपति हलवाई मंदिर जो पुणे का सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर है वो यहाँ इस दरवाजे के पास ही है, इसलिए इस दरवाजे का नाम गणेश दरवाज़ा पड़ा। आप बैकग्राउंड में शायद सुन भी सकते हो, मुझे वो सुनाई दे रही है, वो बेल की आवाज़ है, तो वो है दगड़ूशेठ गणपति हलवाई का मंदिर, इसकी वजह से इसको गणेश दरवाज़ा पड़ा। मैंने आपको सारे यहाँ के सारे दरवाजे देखो, अभी आपने सुना होगा वो बेल की आवाज़, यही इसलिए इसका नाम गणेश दरवाज़ा पड़ा। मैंने अभी आपको सारे दरवाजे सुना दिखा दिए यहाँ पर, और चलिए आगे चलते हैं, आपको पूरा ऊपर के चल के उसका पूरा आर्किटेक्चर दिखाते हैं। ये जो अभी आप एक मंजिला इमारत देख रहे हैं ना, वो एक मंजिला नहीं थी पहले, वो सात मंजिला थी। 1828 के फायर में जो कि यहाँ पर सब कुछ वो डिस्ट्रॉय हो गया, सिर्फ रुइंस बची है और ये फोर्ट का पूरा सब कुछ बचा हुआ है। और 1828 में जो फायर लगी वो ब्रिटिश जो थे उस टाइम में ब्रिटिश का रूल था, बट उस टाइम वो सब कुछ का रिकॉर्ड रखते थे, क्या हुआ कब कैसे हुआ सब चीज़ों का रिकॉर्ड था उनके पास, बट उस फायर का उनके पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। उनको पता नहीं कि कैसे फायर लगी और उन्होंने उसका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रखा, भाई इतना पता कि फायर लगी इसके कारण यहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। ये भी एक चिंता वाली बात है कि ऐसे क्यों हुआ सिनवारवाड़ा फोर्ट में। ये नगार खाना जहाँ पर पेशवाओं के टाइम पे नगारे वगैरह बजाए जाते थे, और ये पूरा फ्लोर अभी भी अच्छे से है, और ये पूरा कम्प्लीटली लकड़ी से बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यही एक फ्लोर है जो अभी अच्छे से बचा हुआ है। ये राव नगर खाने के बाहर का व्यू, ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और यहाँ से पूरे फोर्ट का पूरा गार्डन वगैरह सब दिख रहा है। तो गाइस आप मेरे पीछे ये पिलर देख सकते हैं, ये वाला, और ऐसे दो पिलर है शनिवार वाला फोर्ट में, एक ये मेरे पीछे, दूसरा एक राइट हैंड साइड में है। हमारे पेशवाओं के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, तो इस पिलर की मदद से यहाँ पर रोशनी वगैरह यूज करते थे, और उस टाइम पे इस काम आता था। और आप देख सकते हैं अभी ये लोगों के नाम लिखने का काम आ रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ऐसा ना करें, ये हमारे पेशवाओं की निशानी है, हमारे धरोहर हैं ये सब, तो आप प्लीज़ नाम लिख कर ना जाया करें ऐसे राष्ट्रीय धरोहर पे। ये रहा वो पिलर जिसको हम मशाल बोल सकते हैं, ये देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है, ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, ऊपर मशाले जलती थी जिससे पूरी रोशनी होती थी, ऐसे दो मशाले हैं और दोनों सेम साइज के हैं। तो आप बताइए कैसा लगा आपको ये शनिवार वाला ब्लॉग का वीडियो, कैसा लगा आपको, अब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आप चाहते हैं इस टाइप के और हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट करके आपको दिखाएं, पूरी स्टोरी बताएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और भी अब ब्लॉग्स आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।